देखते रहिए यूबीएन जीरो एड मुगावली से बड़ी खबर आ रही है। विद्यार्थी जी के 133वीं जन्म जयंती पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकारों की कलम को अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह सच लिखना, मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा। मुझे है कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मुंगावली गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जानी जाती है। यह मेरा सौभाग्य है। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी निडर निर्भीक पत्रकार थे, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में भी निडरता से जो सच्चाई थी वह सच्चाई छापी। ऐसे विद्यार्थी जी को केवल हम नहीं बल्कि तो कहता हूँ मुंगावली नहीं, हमारा केवल जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी को हमेशा याद करेगा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वक्ताओं ने बहुत कुछ प्रकाश डाल दिया है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है जो उनके सम्मान में कुछ कह सकते हैं। इतना केवल निवेदन है मेरा पत्रकार साथियों से, सम्मानीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवनी को पढ़ें, उनकी कुर्बानी को याद करें और अपनी कलम को उतनी ताकत दें। धन्यवाद। चूंकि आज हमारे विद्यार्थी जी का जन्म दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उपस्थित मंच, मेरे सभी पत्रकार साथियों, विद्यार्थी के जो उनका जीवन था, पत्रकारिता थी, पत्रकारिता आज अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है, आप इसको मानते होंगे और नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, सर्वप्रथम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज उनकी जयंती है, हम सभी पत्रकार पूरे जिले से पधारे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं, आज हम उनको नमन कर रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मैं जिस विधानसभा से हूँ वो मुंगावली गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से मुंगावली जाना जाता है। और ये भी मुझे सौभाग्य मिला कि जिस मुंगावली में उन्होंने जन्म लिया, जिस मुंगावली में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और वो ऐसे अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, वैसे निडर निर्भीक पत्रकार थे जिन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में भी निडरता से जो सच्चाई है वो सच्चाई छापी। और आज हम उनको मुंगावली नहीं, जिला नहीं, प्रदेश देश, ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हमेशा याद करेगा, वो हमें हमेशा पीएम साहब भी होते ना, अभी जो बात से पहले सारे प्रताओं के जीवन पर जो विचार रखें